वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इस चैप्टर में आप पढ़ोगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल जिसको आई पी साइकिल भी कहा जाता है अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइसिस के आपको मीनिंग्स पता चलेंगे कि क्या डिफरेंसेस है कौन सा जो है कंप्यूटर के पास जो है वो इनपुट है आउटपुट है ठीक है ओके वार्म अप लेबल द फॉलोइंग एज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यहाँ पे आपको तीन फोटोग्राफ्स दिया है एक फ्रूट्स एक जूस और एक मिक्सर का ठीक है या फिर जूसर का तो आपको ये बताना है कि इनमें से इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है और प्रोसेस कौन सा है फॉर एग्ज़ाम्पल पहला वाला मैं कर रही हूँ ठीक है तो फर्स्ट है इनपुट जो है वो फ्रूट्स है ठीक है तो दिस इज़ इनपुट यहाँ पे आप इनपुट लिखोगे ठीक है ये प्रोसेस होगा ठीक है तो प्रोसेस किस में होगा जूसर में तो यहाँ पे हम प्रोसेस लिखेंगे ठीक है और लास्ट में हमें जूस मिलेगा जो कि हमारा आउटपुट है ठीक है उसी तरह आपको सेकेंड और थर्ड भी करना है ये आपका होमवर्क है ओके okay. उसके बाद है इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वी नीड टू इनपुट डाटा इन अ कंप्यूटर विच दैन प्रोसेस द डाटा एंड डिसप्ले और स्टोर द आउटपुट आपने पहले ही पहले ही पढ़ा होगा ठीक है तो पहले आपने क्या पढ़ा होगा कि इनपुट जो है हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद जो है वो प्रोसेस होता है इन सी पी यू और उसके बाद ही डिस्प्ले होता है हमारे आउटपुट डिवाइसिस uh, में ठीक है दिस प्रोसेस इज ऑफन कॉल द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल एंड इज एट द दर्ट ऑफ ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस ठीक है तो ये एक ये क्या है कम्प्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइस का हर्ट है ठीक है तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पहले डाटा है डाटा को हम इनपुट करेंगे फिर वो प्रोसेस होगा प्रोसेस होने के बाद जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटपुट होगा दिखाई देगा ठीक है इसको आप स्टोर भी कर सकते हो ठीक है एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इन टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल इनपुट ठीक है जो भी हम डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में डालते हैं फीड करते हैं उनको कहते हैं इनपुट द डिवाइस यूज टू इनपुट डाटा आर कॉल इनपुट डिवाइस ठीक है devices, जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस ठीक है इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू फीड रॉ डाटा इनटू अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस का जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड कर सके कीबोर्ड माउस स्कैनर डिजिटल कैमरा आर सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस का एग्जांपल जैसे कि की माउस स्कैनर और डिजिटल कैमरा है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे द इनफो इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द सी पी यू और स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस कैन बी प्रजेंटेड टू यूजर विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं फीड करते हैं वो प्रोसेस होता है सी पी यू में सी पी यू में जो है जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो प्रोसेस होता है एंड इज स्टोर इन अ स्टोरिंग डिवाइसिस और उसको स्टोर किया जाता है स्टोरिंग स्टोरेज डिवाइसिस में ठीक है कैन बी प्रजेंटिड टू यूज़र विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के हेल्प से हम जो है जो भी हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे वो हमें दिखाई देता है आउटपुट डिवाइस पे ठीक है मोनिटर प्रिंटर प्रोजेक्टर स्पीकर एंड हैडफोन आर एग्ज़ाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसिस का एग्जाम्पल है जैसे मोनिटर प्रिंटर प्रोजेक्टर स्पीकर और हेडफोन ठीक है दिस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर ऑफन कॉल पैरेफेरल डिवाइसिस ठीक है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी होगा उनको हम पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है या फिर पेरिफेरल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर यूजली एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर ठीक है क्यों कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस के हेल्प से यूजली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ठीक है चार तरह के इनपुट और आउटपुट टाइप्स uh, होते हैं ठीक है टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो एंड वीडियो हम आउटपुट जो है वो टेक्स्ट के हिसाब से भी दिखा सकते हैं ग्राफिक्स के हिसाब से दिखा सकते हैं ऑडियो के हिसाब से दिखा सुना सकते हैं और वीडियो के हिसाब से हम दिखा और सुना सकते हैं ठीक है टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड्स नंबर एंड सेंटेंस एंड पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या होता है हम वर्ड्स जो है डाल सकते हैं नंबर्स हम डाल सकते हैं सेंटेंसेस हम डाल सकते हैं और पैराग्राफ्स में भी हम डाल सकते हैं ग्राफिक्स आर इमेजिन इमेजेस और पिक्चर्स सच एज ड्राइंग चार्ट्स एंड फोटो फोटोग्राफ्स तो ग्राफिक्स में क्या होता है ग्राफिक्स जो है वो पिक्चर्स होता हो सकता है या फिर कोई फोटोज़ हो सकता है इमेजस हो सकता है या कोई ड्राइंग्स हो सकता है चार्ट्स हो सकते हैं या फिर कोई फोटोग्राफ्स हो सकता है ऑडियो इज़ म्यूज़िक स्पीच और एनी अदर साउंडस ऑडियो में म्यूज़िक बजा सकते हो ठीक है स्पीच आप किसी का सुन सकते हो या फिर कोई अदर साउंड्स भी हो सकता है वीडियो कंसिस्ट ऑफ इमेज दैट अपीयर्स टू बी मूविंग वीडियो आप सबको पता है क्या होता है जो कि ऐसे इमेजेस होता है जो मूव करते हैं ठीक है उसके बाद है इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस अलवाज टू इनपुट डाटा इन अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है उसको फीड कर सकते हैं डाल सकते हैं द डाटा वी इनपुट इन अ कंप्यूटर कैन बी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन तो डाटा हम जो डालते हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है या कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है द इनपुट में भी इन वेरियस फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट ठीक है इनपुट जो है वो टेक्सट के हिसाब से हो सकता है ठीक है ग्राफिक्स के हिसाब से हो सकता है ऑडियोस के हिसाब से हो सकता है और वीडियोस के हिसाब से हो सकता है ठीक है टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होता है इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड कीबोर्ड के हेल्प से थे हम टेक्स्ट उस कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं इमेजेस और ग्राफिक्स इनपुट यूजिंग डिवाइस ऑल स्कैनर्स और डिजिटल कैमरा कैमरा और स्कैनर के हेल्प से हम ग्राफिक्स या इमेजेस हम फीड कर सकते हैं ऑडियो इनपुट यूजिंग माइक्रोफोन्स ऑडियो में हम माइक्रोफोन्स के हेल्प से हम जो है ऑडियो जो है कंप्यूटर uh, में फीड कर सकते हैं और वीडियोस में इनपुट यूजिंग डिवाइस लाइक वेब एंड कैम ठीक है तो वीडियोस के वीडियोस में हम कैसे डालेंगे वेब कैम के हेल्प से और कैम के हेल्प से हम वीडियोज जो है इनपुट कर सकते हैं लेटस्ट टेक अ लुक एट सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यू शुड नो नाउ एड इज़ अ वेरी कॉमन मेथड यूज्ड टू इनपुट डाटा इज़ टच जैसे आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं इनपुट डाटा को इनपुट करने के लिए हम टच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दिस इज़ ट्रू फॉर डिवाइसेस दैट हैव अ टच स्क्रीन मॉनिटर ये हम जो टच के हिसाब से हम जो इनपुट डाल सकते हैं वो हम टच स्क्रीन मॉनिटर से ही कर सकते हैं फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइस यूज़ टच स्क्रीन टू इनपुट डाटा फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो स्मार्टफोन है वो इनपुट हम टच के हिसाब से हम डाल सकते हैं ठीक है हमारा फ़ोन हो गया और आईपैड हो गया ठीक है ये सब हम टच uh, के हिसाब से हम जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो फीड कर सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट है इनपुट okay. डिवाइसेस कौन कौन से हैं कीबोर्ड सबसे पहले है कीबोर्ड अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ कीज़ यूज़ टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर कीबोर्ड जो है कीज में ठीक है कीज़ के हेल्प से हम uh, जो टेक्स्ट है वो कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं दिस इज़ कीबोर्ड ठीक है इसमें नंबर्स होंगे अल्फाबेट्स होंगे आप सबने देखा होगा कीबोर्ड बोर्ड अलाउ आज टू टाइप लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन टू अ कंप्यूटर की बोर्ड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं लेटर्स लिख सकते हैं नंबर्स हम लिख सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स कीबोर्ड पर होगा ठीक है तो वो भी हम इसमें फीड कर सकते हैं कीबोर्ड आर यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड नेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर कीबोर्ड जो है हम यूज़ करते हैं टाइप करने के लिए ठीक है कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए या किसी फाइल या फोल्डर को नेम करने के लिए वी कैन स्पीड अप आवर वर्क बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर वेरियस पर्पसेस ठीक है हम जो अपना काम जो है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं ठीक है कीबोर्ड के हेल्प से जो भी कंप्यूटर में काम होगा वो की के हेल्प से शॉर्टकट्स में भी हम कर सकते हैं मोस्ट मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ क्योवटी की बोर्ड विध वन हंड्रेड एंड फोर कीस तो आजकल जो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होंगे या कोई लैपटॉप होगा उसमें क्योवटी कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है क्योवटी कीबोर्ड में एक सौ चार कीज़ वन हंड्रेड एंड फोर कीस होता है लैपटॉप्स हैव इन इन बिल्ड कीबोर्ड लैपटॉप्स में उनके अंदर ही उनके साथ ही लैपटॉप्स के साथ ही होता है वाइल्ड टच स्क्रीन डिवाइसिस लाइक टैबलेट एंड मैनी स्मार्टफोन्स यूज़ ऑन स्क्रीन की ठीक है और जो टच स्क्रीन डिवाइसिस होगा जैसे हमारा फ़ोन है उनमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्क्रीन पे ही कीबोर्ड दिखाई देता है ठीक है तो वहाँ से आप टाइप कर सकते हो दे आर अ डिफरेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड द अल्फ़ाबेट द न्यूमरिक कीज़ टूगैदर कॉल द अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़ तो कीबोर्ड में अल्फाबेट्स होता है और न्यूमरिक कीस होता है ठीक है न्यूमरिक मतलब नंबर्स कीस होता है दोनों को अल्फ़ाबेट और नंबर num कीस जो होता है उनको दोनों एक साथ क्या कहते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट न्यूमरिक मतलब नंबर्स कीस ठीक है एंड द स्पेशल कीस और क्या होता है स्पेशल कीस होता है जैसे कि शिफ्ट हो गया एंटर हो गया पैक स्पेस डिलीट विंडो की और स्पेस बार ये सब क्या है स्पेशल कीस

तो एफ़ वन एफ़ से एफ़ टूवेल्व तक जो भी कीस होगा उनका अलग ही फंक्शन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल द एफ टू की इज़ यूज़ टू रीनेम फाइल इन विंडो एक्सप्लोरर एफ़ टू प्रेस करोगे तो क्या होगा आप विंडो में जो भी फाइल होगा उसको रीनेम कर सकते हो ठीक है फॉर मैनी प्रोग्राम सजेज एम एस वर्ड द एफ़ वन की इज़ यूज़ टू ओपन द हेल्प फाइल फॉर दट फॉर दैट प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम्स uh, में जैसे कि एम एस वर्ड में एफ़ वन की के हेल्प से आप जो है फाइल uh, का जो है ओपन द ओपन द यूज़ टू ओपन द हेल्प फाइल फॉर दैट प्रोग्राम उस प्रोग्राम एम एस वर्ड प्रोग्राम के लिए आप अगर आपको हेल्प चाहिए ठीक है तो एफ़ वन की आप प्रेस कर सकते हो उसके बाद है माउस माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प आज टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन माउस के हेल्प से आप माउस uh, के हेल्प से आप कंप्यूटर स्क्रीन में पॉइंट आउट कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो दस अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स यूज़र टू नेविगेट एंड सेलेक्ट थिंग्स तो माउस uh, के हेल्प से आप किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हो तो आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं ठीक है इससे कि uh, क्या हेल्प होता है यूज़र टू नेविगेट एंड सेलेक्ट थिंग्स पॉइंटिंग डिवाइस या माउस के हेल्प से आप किसी भी चीज को नेविगेट कर सकते हो दिखा सकते हो और जो है जो भी टेक्स्ट लिखा होगा जो भी इमेज लिखा होगा दिखाया होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउस विद अ ट्रैक बोल एंड और एंड विद अ स्क्रोल विल दो तरह के माउस होता है एक होता है ट्रैक बोल ठीक है ये वाला जो है ट्रैक बॉल माउस है जिसके नीचे एक बॉल लगा होगा जिससे कि आप माउस को मूव uh, कर सकते हो और दूसरा है स्क्रोल विल ठीक है और ये वाला जो है वो स्क्रोल विल माउस है ठीक है अ माउस हेल्प यू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर इजिली माउस के हेल्प से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच ईजिली कर सकते हो लैपटॉप्स हैव अ टच पैड विच इज़ यूज टू स्क्रोल और नेविगेट ऑन द स्क्रीन ठीक है लैपटॉप में माउस नहीं होता है लेकिन उसमें टच पैड होता है ठीक है जिससे कि आप कोई भी किसी भी चीज़ को नेविगेट या स्क्रोल कर सकते हो दे हैव द ऑप्शन ऑफ अटैचिंग एन एक्सटर्नल माउस इफ़ दे इफ़ द यूजर नीड टू एड ऑन अगर आप चाहो तो आप माउस भी इसमें ऐड कर सकते हो ठीक है यू शुड नो द माउस एंड द कीबोर्ड आर यूजली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विथ वायर्स माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है हाउ एवर नाओ अ डेज मैनी की बोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग वायरलेस कनेक्शन और ब्लूटूथ लेकिन आज कल के टाइम में क्या होता है कीबोर्ड uh, और माउस को वायरलेस भी बनाया गया है ठीक है वायर नहीं चाहिए होता है उनको ब्लूटूथ के हिसाब से हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद है स्कैनर स्कैनर इज़ यूज टू कैप्चर इमेज फ्रॉम फोटोग्राफ्स और बुक्स स्कैनर के हेल्प से कोई फोटोग्राफ होगा या कोई बुक होगा कोई इमेज होगा ठीक है आप उसको स्कैन कर सकते हो द द कैप्चर्ड इमेज कैन देन बी स्टोरड और मॉडिफाइड ऑन अ कम्प्यूटर जो भी आप इमेज स्कैनर uh, के हेल्प से आप इमेज डालोगे उसको आप स्टोर भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो कम्प्यूटर में ठीक है कोई चेंजेस करना होगा आप उसको कर सकते हो देयर आर सम स्पेशल स्कैनर विच आर यूज टू स्पेसिफिक यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजस ऐसे भी स्कैनर होता है जिनका स्पेसिफिक काम होता है अलग ही काम होता है फॉर एग्जाम्पल बारकोड स्कैनर ठीक है एग्जाम्पल के लिए बारकोड स्कैनर बार कोड स्कैनर आर यूज एक्सक्लूसिवली यूज टू स्कैन बार कोड बार कोड स्कैनर से आप सिर्फ बार कोड्स जो है उसको स्कैन कर सकते हो बार कोड्स आर द स्मॉल ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस प्रिंटेड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑन अ प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट होगा उस पर जो है ब्लैक और वाइट लाइन से एक प्रिंट बनाया होगा जिससे कि आप उसको स्कैन uh, कर सकते हो ईच लाइन ऑफ द बार कोड ऑन द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिटेल ठीक है जो भी लाइन होगा ठीक है बार कोड पर जो भी लाइन होगा वो उनका अलग ही काम होता है ठीक है उनका पर्टिकुलर काम होता है उसके बाद है वेब कैम आपको यहाँ पे स्कैनर uh, का फोटोग्राफ भी दिया होगा ठीक है एक ये स्कैनर है ठीक है और दूसरा ये बार कोड स्कैनर है इसको बार कोड कहते हैं ये वाला जो है इसको बार कोड स्कैनर कहते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद है वेब कैम वेब कैमरा ऑल्सो रेफर टू द टू एस वेब कैम वेब कैमरा को हम वेब कैम भी कहा जाता है इज़ अ कैमरा दैट इज़ अटैच टू अ कंप्यूटर एंड इज़ यूज टू कैप्चर अ वीडियो ठीक है इसको कैमरा को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और जो है वीडियो को हम कैप्चर कर सकते हैं विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसमिट भी कर सकते हैं वेब कैम्स आर यूज मोस्टली फॉर वीडियो चैट्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है वेब कैम्स जो है हम वीडियो चैट के लिए यूज़ कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं वी आर द वीडियो ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इज सेंट टू अदर पार्टिसिपेंट्स इन अ ग्रुप ठीक है जिसमें हम वीडियो बना के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हम सेंड कर सकते हैं मोस्ट लैपटॉप्स क्या कम विद एन इन बिल्ट वेब कैम ठीक है लैपटॉप्स uh, में जो है बहुत सारे लैपटॉप्स में इन बिल्ट वेब कैमरा लगा होता है ठीक है इन बिल्ट मतलब उनमें पहले ही लगा होता है वे आर एस इन द मोस्ट डेस्कटॉप टॉप दे आर आर अटैच सेपरेटली एज अ पैराफ्रिल डिवाइस ठीक है और जो डैस्टॉप क्या कंप्यूटर्स होगा उनमें अलग से अटैच किया हो जाता है वेब कैम को ठीक है उसके बाद है डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड स्टोर देम ऑन अ कंप्यूटर फॉर व्यूविंग और प्रिंटिंग लेटर ठीक है डिजिटल कैमरा जो है उससे हम कोई भी फोटोग्राफ को खींच सकते हैं और स्टोर भी करके रख सकते हैं इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद ग्राफिक इनपुट्स डिजिटल कैमरा आर इक्विप्ड टू शूट वीडियोज़ एंड आर यूज़ टू फीड इन दिस फाइल एज एन इनपुट इन योर कंप्यूटर डिजिटल जो है डिजिटल कैमरा से हम कोई भी वीडियो जो है शूट कर सकते हैं ठीक है ठीके? और इसके हेल्प से हम कंप्यूटर में जो भी वीडियो बनाया होगा जो भी पिक्चर क्लिक किया होगा वो हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो साइड में वीडियो के डिजिटल कैमरा का भी आपको फोटो दिया गया है और आपने देखा भी होगा ठीक है उसके बाद है माइक्रोफोन अ माइक्रोफोन अलाउ यूजर टू इनपुट साउंड इन टू अ कंप्यूटर ठीक है तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है इन अदर वर्ड इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद ऑडियो इनपुट्स ठीक है तो माइक्रोफोन से हम ऑडियो जो है इनपुट कर सकते हैं माइक्रोफोन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वॉइस चैटिंग जब आप वॉइस चैटिंग करते हो चैट करते हो किसी से बात करते हो तो आप माइक्रोफोन का यूज़ करते हो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिकॉर्ड साउंडस ऑन अ कंप्यूटर कंप्यूटर में अगर कोई साउंड रिकॉर्ड करना होगा तो आप माइक्रोफोन का हेल्प ले सकते हो माइक्रो कैन माइक्रोफोन कैन बी स्टैंड अ लॉन एंड कैन बी पार्ट ऑफ हेडसेट माइक्रोफोन जो है वो अलग से भी हो सकता है ठीक है जैसे यहाँ पे है ठीक है और हेडसेट के साथ भी हो लगा हो सकता है ठीक है तो हेडसेट में ये वाला जो पार्ट है वो है माइक्रोफोन सच माइक्रोफोन गिव्स एन हैंड फ्री एक्सपीरियंस टू द यूज़र ठीक है तो जो हैडसेट के साथ लगा होगा वो हम उसको पकड़ना नहीं पड़ता है हैंड फ्री होता है ठीक है उसके बाद है यूश नो नाव अ डीज़ वी कैन कनेक्ट सिंथिसाइज एंड डिजिटल मीडिया की की बोर्ड्स टू कम्प्यूटर टू रिकॉर्ड म्यूज़िक एंड अदर ऑडियो आज कल हम जो ऑडियो और म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए हम सिंथेसाइजर और डिजिटल मिडी कीबोर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं दिस एक्ट एज एन ऑडियो इनपुट डिवाइस ठीक है device, तो ऑडियो इनपुट डिवाइस भी का भी काम करते हैं उसके बाद है कूल टिप आ हेडसेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोफोन एंड हेडफोन हेडसेट जो है वो कॉम्बिनेशन है माइक्रोफोन का भी और हेडफोन का भी ठीक है सो इट इज़ यूज एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस तो हेडसेट को हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि हेडसेट से हेडफोन से हम आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं और माइक्रोफोन से हम बात जो है इनपुट कर सकते हैं ठीक है तो ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा होगा आपको ये आपने Uh, इसी uh, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के रिलेटेड है ठीक है ये आपको अपने तरफ से करना है ठीक है उसके बाद है आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू बी सीन बाय यूज़र्स ठीक है तो आउटपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम टच कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं ठीक है ठीके? और जो इसमें इंफॉर्मेशन जो है हम आउटपुट uh, डिवाइसे देख सकते हैं अस टेक अ लुक एट सम आउटपुट डिवाइस दैट आर कॉमनली यूज ठीक है तो कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस दिया गया है मॉनिटर। अ मॉनिटर और डिस्प्ले यूनिट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट शोज इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड वीडियोज़ तो मॉनिटर में जो भी डिवाइसेस जो भी हम इनपुट डालेंगे ठीक है फीड करेंगे वो आउटपुट की तरफ हमें हम मॉनिटर पे दिखेगा ठीक है स्क्रीन पे दिखेगा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है कोई भी ग्राफिक्स हो सकता है कोई भी वीडियो हो सकता है इंफॉर्मेशन शोन ऑन द डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी बिकॉज द इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड इज डिस्प्लेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जो इंफॉर्मेशन जो है जो स्क्रीन पे दिखता है जो यहाँ पे दिखेगा उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी ठीक है क्योंकि क्यों कहा जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हमें जो है डिस्प्ले होता है फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम कुछ ही टाइम के लिए अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड वी डी यू मोनीटर को वी डी यू भी कहा जाता है वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है विजुअल मतलब आप देखना डिस्प्ले मतलब दिखाना और यूनिट मतलब जो उसका बॉक्स है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर मॉनिटर के भी टाइप्स होते हैं एक है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर और दूसरा है ठीक है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर को टी एफ टी मोनीटर भी कहा जाता है और दूसरा है सी आर टी मोनीटर ठीक है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर और टी एफ टी मोनीटर एक ही है ठीक है टी एफ टी मोनीटर टी एफ टी का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और सी आर टी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब जो पुराना वाला जो डेस्कटॉप के साथ लगा होता है उसको कहते हैं सी आर टी मोनीटर ठीक है monitor, तो इस टाइप के जो मोनीटर होंगे उसको कहेंगे सी आर टी मोनीटर और जो इस तरफ के होंगे ठीक है जो फ्लैट स्क्रीन जो हमारे टी वी स्क्रीन की तरह दिखता है उसको कहेंगे फ्लैट स्क्रीन मोनीटर मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन यूज फ्लैट स्क्रीन मोनीटर अडेज़ जो आजकल हम टी वी या Uh, कोई भी कंप्यूटर uh, यूज़ करते हैं वो हमेशा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में आता है ठीक है उसके बाद है प्रोजेक्टर अ प्रोजेक्टर इज़ ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट दैट कैन प्रोजेक्ट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू द स्क्रीन प्रोजेक्टर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो भी ग्राफिक्स होंगे जो भी वीडियोस होगा जो भी हम पावर पॉइंट बनाएंगे ठीक है वो हमें प्रोजेक्टर के हेल्प से स्क्रीन पे दिखेगा ठीक है कंप्यूटर से हम स्क्रीन पे देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं द स्क्रीन कैन बी वाइट बोर्ड ठीक है स्क्रीन जो है वो वाइट बोर्ड भी हो सकता है स्पेशली डिज़ाइन वाइट स्क्रीन कोई भी स्पेशली डिज़ाइन वाइट स्क्रीन हो सकता है और इवन अ क्लीन वाइट वॉल ठीक है तो प्रोजेक्टर के हेल्प से हम क्लीन वॉल वाइट कलर के वॉल पे भी हम दीवार पे भी प्रोजेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्टर आर यूज इन पब्लिक प्लेस एज वेल एज ड्यूरिंग प्रजेंटेशन टू श्यो शेयर विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरी वन टू सी प्रोजेक्टर जो है हम पब्लिक प्लेस में यूज़ कर सकते हैं करते हैं ठीक है ठीके? और कोई प्रजेंटेशन बड़े स्क्रीन पर दिखाना होगा तो हम प्रोजेक्टर का हेल्प ले सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर प्रोजेक्टर का ये वाला जो है ये जो वाइट स्क्रीन है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर ठीक है और ये इसके हेल्प से ठीक है ये जो मेन प्रोजेक्टर है ठीक है ये जो मशीन है इसके हेल्प से हम जो है आ, जो भी हमारे कंप्यूटर में फीड किया होगा वो हम बड़े स्क्रीन पे दिखा सकते हैं उसके बाद है स्पीकर एंड हेडफोन स्पीकर हेल्प आस लिसन टू साउंड कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर स्पीकर के हेल्प से हम जो भी आवाज़ें आ रही है हमारे कंप्यूटर से वो हम सुन सकते हैं दस स्पीकर इज एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस स्पीकर जो है ऑडियो आउटपुट डिवाइस है ठीक है ऑडियो हम सुन सकते हैं तो ऑडियो आउटपुट डिवाइस ठीक है आप सब ने देखा होगा स्पीकर हेडफोन्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पीकर दैट आर डिज़ाइन टू प्लेस ओवर द यूज़र्स एयर जो हेडफोन्स होंगे जो एयरफोन्स होंगे ठीक है वो भी स्पेशली डिज़ाइन स्पीकरस है जो कि यूज़र्स के एयर्स में लगाया जाता है दिस आर दे आर यूज वैन द यूजर वॉन्ट टू लिसन समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग अदर अराउंड दैम ठीक है तो हेडफोन का हम यूज़ तभी करते हैं जब हम कोई भी आवाज़ जो है वो हम बाहर की तरफ नहीं आ, सुनाना चाहते ठीक है किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हो टुगेदर विथ माइक्रोफोन हैडफोन आर कॉमनली यूज फॉर वॉइस चैटिंग ठीक है माइक्रोफ़ोन और हेडफोन ठीक है माइक्रोफोन और हेडफोन जो है अगर किसी हेडसेट में लगा होगा तो हम उससे हेल्प कर क्या कर सकते हैं वॉइस चैटिंग कर सकते हैं वॉइस बात कर सकते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद है चेक योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दोबारा से आपको क्वेश्चन दिया गया है नेम द आउटपुट डिवाइस यूज फॉर फॉलोइंग यहाँ पे आउटपुट डिवाइस आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है ठीक तो है तो ये आपका होमवर्क है लास्ट उसके बाद है प्रिंटर अब प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर प्रिंटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होगा ठीक है उसको हम एक पेपर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंट निकाल सकते हैं ठीक है सेम एज इट इज़ जैसा आपके कंप्यूटर में लगा होगा वैसे ही आप प्रिंट कर सकते हो द शीट ऑफ पेपर विद द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन एट इस कॉल प्रिंट आउट जो हमारा पेपर होगा जिसमें हमने इंफॉर्मेशन को डाला होगा ठीक है उसको हम प्रिंट आउट कहते हैं प्रिंट आउट आर ऑल्सो रेफर टू एज हार्ड कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट को हार्ड हार्ड कापी ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है हार्ड कॉपी कहा जाता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर तो प्रिंटर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ठीक है जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया इंजेक्ट प्रिंटर हो गया और लेज़र प्रिंटर हो गया ठीक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है इंजेक्ट प्रिंटर जो है इस तरह का दिखता है और उसके बाद लेज़र प्रिंटर जो है वो हमारा इस तरह सा दिखता है ठीक है तो इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है थैंक यू सो मच